हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। क्या आप सभी तक मेरी ऑडियो वीडियो आ रही है क्लियर? अजय बाबू, अर्चना, मंजू, रेनू, गुड मॉर्निंग सभी को। जल्दी से बता दीजिए कि हाँ ऑडियो वीडियो आ रही है क्लियर, ताकि हम आज की क्लास को शुरू करें। यूनिट 1 जियोमॉर्फोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है जिसे शुरू करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग पुष्पेंद्र, जल्दी से आ जाइए क्लास में। क्लियर है? वेरी गुड। आज का हमारा टॉपिक है, टाइटल में आपको दिख रहा होगा, माउंटेन एंड माउंटेन बिल्डिंग। माउंटेन का ये टॉपिक हम देखिए कवर कर चुके हैं, और माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज को आज पढ़ने वाले हैं। जितने भी माउंटेन्स हैं उनका ओरिजिन कैसे हुआ है, इसके संबंध में कई सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। जैसे आपने जियो सिंक्लाइन का नाम सुना होगा, है ना, कोबर की थ्योरी है। आपने स्लाइडिंग थ्योरी का नाम सुना होगा, रेडियो एक्टिव थ्योरी का नाम सुना होगा, कन्वेक्शन करंट थ्योरी का नाम सुना होगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं, और इन सभी थ्योरीज से क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग का सवाल आपको दे देगा, बताइए कौन सी थ्योरी किस स्कॉलर के द्वारा दी गई है, मैच कीजिए। इन थ्योरीज में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, उनसे डायरेक्ट आपसे सवाल पूछ लेगा कि ये टर्मिनोलॉजी किस स्कॉलर को बिलोंग करती है। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। अगर आपने पीवाईक्यू उसकी जो पीडीएफ मैंने आपको दी है वो देखी होगी ठीक से, तो वहाँ पर आपको इसी प्रकार के सवाल दिखे होंगे कि थ्योरी से सवाल पूछे हैं। और माउंटेन बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत सारे विश्व के अलग अलग माउंटेन को लोकेट करना पड़ेगा और उनसे सवाल पूछेगा। नहीं, यहाँ पे ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट से सवाल पूछते हैं कि माउंटेन कैसे बना है। अगर पूछेगा भी ऐसा सवाल तो वो इंडिया के रेफरेंस में पूछेगा, वर्ल्ड के रेफरेंस में नहीं पूछेगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग पपिया। तो चलिए शुरू करते हैं आप थोड़ी 5 मिनट में। और कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, किस किसने कर लिया है? वो सिर्फ एक ने मुझे वो अपना होमवर्क दिखाया है, पिंकी ने। बाकी सभी कुछ होमवर्क दिया था मैंने आपको, याद है या नहीं है? गुड मॉर्निंग प्रीति, किरण, बताइए किस किस ने कर लिया है होमवर्क? जो मैंने कहा था कि ये सारे जो भी मैंने वॉल्केनो दिए हैं उनका कंट्री लोकेट करना और उनका लिख लेना कि किस इनकी स्थिति वर्तमान में क्या, एक्टिव है, डोरमेंट है। करें नहीं करें? देखो होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो मैं कह देता हूँ कि हाँ ये करना है तो मतलब करना है, चाहे कोई और दूसरा काम हो तो ठीक है, लेकिन होमवर्क तो करना ही करना है। वरना एक समय ऐसा आएगा कि बहुत सारा होमवर्क पेंडिंग हो जाएगा और फिर लगेगा आप कैसे करें, समस्या आ जाएगी। चलो तो अब शुरू करते हैं माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज को। मैंने कहा था ना व्हाट्सएप पे करना, तो जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, और जो दिखाना चाहते हैं वो उसमें व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। मुझे सेंड करना, ग्रुप में नहीं। हाँ पुष्पेंद्र, कोई बात नहीं। होमवर्क मैंने ये बताया था कि मैंने आपको कुछ कल वॉल्केनो के क्लास में अगर आप देखोगे तो कुछ वॉल्केनो को लोकेट किया था कि जैसे स्ट्राम्बोली, माउंट एटना, सिसिली, लिपारी में जो आइलैंड है इसमें वॉल्केनोज है, किलावू है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट है। उन सबका कंट्री लिख लेना कि कौन सा किस कंट्री में। अगर कभी क्वेश्चन बने भी कंट्री लोकेट करने को तो आप कर पाओ, बस इतनी सी बात थी। ठीक है, आज हम माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी शुरू कर रहे हैं, और मैंने अभी आपको शुरुआत के 2-3 मिनट में बताया कि यहाँ से सवाल कैसे बनेंगे। यहाँ से सवाल ऐसे नहीं पूछेगा आपको कि बताओ अपलेशन कौन से रीजन में है, रॉकीज माउंटेन कहाँ है, इसकी सबसे ऊंची चोटी, ऐसे नहीं पूछेगा। ये बने कैसे हैं, इनसे रिलेटेड थ्योरीज कौन सी हैं, कॉन्सेप्ट से पूछेगा। ठीक है, ओके प्रीति, कोई बात नहीं। और अगर ऐसे पूछेगा भी माउंटेन से, तो माउंटेन से इंडियन ज्योग्राफी में डिटेल में पूछेगा। तो जब इंडिया का ज्योग्राफी आएगा तो वहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट जो भी माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस, जैसे आपने अरावली का नाम सुना है, विंध्याचल और सतपुड़ा, और भी माउंटेन्स हैं, सह्याद्री हैं, इधर ईस्टर्न घाट हैं, उन सबको हम इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे। लेकिन अभी हमें वर्ल्ड के रेफरेंस में सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट, एक माउंटेन बने कैसे हैं, तो बहुत सारे स्कॉलर्स के नाम हैं, कोबर, जेफरीज, डेली, है ना, डाना, और कई सारे हैं। उन सबको देखना है कि किसने क्या बताया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स का तो आपको पता ही होना चाहिए, जैसे अपलेशियन माउंटेन है, रॉकी माउंटेन है, एंडीज माउंटेन है, ठीक है। इधर ये ब्राज़ीलियन हाईलाइट्स को देख लीजिएगा, जोलन माउंटेन है, ये अल्टाई माउंटेन है, और इधर ये ड्रैकेन्सबर्ग है इम्पॉर्टेंट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये यूराल माउंटेन तो आप इम्पॉर्टेंट रखिएगा, ओके। और ये इधर कार्पेथियन रेंज है, इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा त्यान शान है, हिमालय तो है, फिर ये तो इंडिया का आ गया, इंडिया में तो हम डिटेल में देखेंगे ही, ठीक है। कुछ ही इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है, इनको आप देखते चले, ये दिमाग में आपके होने चाहिए क्योंकि आगे बार बार नाम आएंगे, ओके। चलो आगे देखते हैं। गुड मॉर्निंग मोमिता, प्रणाम। शुरुआत करते हैं माउंटेन एंड माउंटेन बिल्डिंग से। माउंटेन क्या होता है? माउंटेन सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट और ओशन। कॉन्टिनेंट और ओशन फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर्स होते हैं, और कॉन्टिनेंट ओशन के ऊपर ही हमें दिखाई देते हैं माउंटेन, इसीलिए ये सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर होते हैं। आपको ये बताना है कि माउंटेन जो है सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर है, लेकिन ये किस फोर्स की वजह से बनते हैं? क्या ये एंडोजेनेटिक फोर्स का परिणाम है? क्या ये एक्सोजेनेटिक फोर्स का परिणाम है? बताइए। अंतर्जात बल की वजह से बने हैं या फिर बहिर्जात बल की वजह से ये बने हैं? किस बल की वजह से बने, बताइए? फटाफट से कमेंट कीजिए। अब ये सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर है, ये तो ठीक बात है, लेकिन माउंटेन के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्म, जैसे माउंटेन रिज हो सकता है, माउंटेन रेंज हो सकता है, माउंटेन चेन हो सकता है, माउंटेन सिस्टम हो सकता है, माउंटेन ग्रुप हो सकता है, कॉर्डिलेरा हो सकता है। वेरी गुड, एंडोजेनेटिक का एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पहले इनमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। ये आपने शब्द बार बार सुने होंगे, माउंटेन रिज, माउंटेन रेंज, माउंटेन ये चेन, क्या मतलब होता है इनका? तो सबसे पहला आता है माउंटेन रिज। माउंटेन रिज, माउंटेन रिज इज अ सिस्टम ऑफ लॉन्ग नैरो हाई हिल्स, मतलब कम ऊंचाई वाली, कम लंबी और नैरो है और हाई हिल्स, तो इसको बोलते हैं माउंटेन रिज। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसे माउंटेन पीक्स का सिस्टम जो कि लॉन्ग है, लंबी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन चौड़ाई उनकी कम है, ऊंचाई है, ऊंचाई चौड़ाई कम और लंबाई ज़्यादा है। इस प्रकार के सिस्टम को हम माउंटेन रिज कहते हैं, ठीक है, जैसे कटक होता है बिल्कुल। जनरली इनका जो स्लोप होता है ऑफ द वन साइड इसका स्टीप होता है, जबकि दूसरा साइड इसका मॉडरेट होता है, मतलब एक साइड इसका ऐसे हो सकता है स्टीप और दूसरी साइड ऐसे मॉडरेट हो सकता है। जिस तरफ स्टीप स्लोप है या तीव्र ढाल है, इसका मतलब है कि प्रेशर इसी तरफ से लगा है और प्रेशर यहाँ से नहीं लगता है, ओके। जैसे हिमालय में है, हिमालय का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पर स्टीप स्लोप मिलता है, और जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न स्लोप, वहाँ पर स्टीप स्लोप नहीं है क्योंकि फोर्स इधर से ही लग रहा है, साउथ से, इंडोर्शियल प्लेट साउथ से फोर्स लगा रही है, इस वजह से ऐसा है, ठीक है। और या फिर कभी कभी ये जो माउंटेन रिज है ये सिमेट्रिकल स्लोप भी हो सकते हैं। सिमेट्रिकल फोल्ड क्या होते हैं? फोल्ड वाले चैप्टर में बताया था आपको अभी 2 दिन पहले। गुड मॉर्निंग ज्योतिका, बताइए सिमेट्रिकल फोल्ड क्या, जिसको हिंदी में बोलते हैं सममित वलन। सममित वलन, मैं बीच बीच में आप पूछता रहूंगा, जो पीछे पीछे बता दिया मैंने, तो सभी तैयार रहें, जितने भी नए स्टूडेंट हैं, पुराने वाले तो बताएंगे ही बताएंगे क्योंकि उनका तो एग्जाम है ही, और आप भी अब सब तैयार रहें। अब जितना पीछे मैंने बता दिया है सब, क्योंकि कम से कम 50% सिलेबस से ज़्यादा हो चुका है, तो अब पीछे मैं जितना भी बता चुका हूँ वो सब पूछता रहूँगा बीच बीच में। तो अब बताओ सममित बलन या सिमेट्रिकल फोल्ड क्या होते हैं? ओपन फोल्ड तो अलग है, सिमेट्रिकल अलग है, बिल्कुल इक्वल फोर्स जिसके दोनों तरफ की जो नतियाँ हैं, नति जिसके दोनों तरफ की नति या डिप एंगल बराबर होता है। ये वाला एंगल भी डिप कहलाता है, ये भी डिप है, जिसके दोनों डिप एंगल बराबर होते हैं, बराबर फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं सममित या सिमेट्रिकल फोल्ड। ठीक है, ओके, ये होता है माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज क्या होता है फिर? बिल्कुल जिसकी दोनों भुजा समान हो। ठीक है, माउंटेन रेंज क्या होता है? माउंटेन रेंज इज अ सिस्टम ऑफ माउंटेन्स। ये माउंटेन्स का एक सिस्टम है और हिल्स भी होती हैं जिसमें कई सारे आपको रेजेस, पीक्स, समिट्स और वैलीज दिखाई देंगी। इसको माउंटेन रेंज बोलते हैं। जैसे हम हिमालय के बारे में बोलते हैं कि हिमालय में एक माउंटेन रेंज है, रॉकीज़ एक माउंटेन रेंज है, एंडीज़ एक माउंटेन रेंज है। इसमें क्या होता है माउंटेन रेंज में? तो इसमें माउंटेन रेंज में कई सारे माउंटेन्स होते हैं, हिल्स होते हैं, कई सारे इस प्रकार के रिजेस होते हैं, कटक होते हैं, कई सारी चोटियाँ होती हैं। उन चोटियों में ये समिट्स होते हैं जो ऊपरी कॉन्वेक्स किनारे होते हैं, कई सारी घाटियाँ होती हैं। इन सबका एक सिस्टम, इन सबका एक तंत्र क्या कहलाता है? माउंटेन रेंज कहलाता है। जैसे आपको यहाँ पर ये एक रिज दिखाई दे रही है, दिख रहे? ये एक रिज है, ये तो माउंटेन रेंज है और ये माउंटेन रेंज है। देखो समझ में आ गया? इसमें कई सारे पीक हैं, वैलीज हैं, माउंटेन्स हैं, ये सब माउंटेन रेंज कहलाएगा और ये माउंटेन रिज कहलाएगा। ये रिज और ये रेंज, क्लियर? ओके, समझ में आया? आगे देखते हैं अब। लेकिन इनफैक्ट द माउंटेन रेंज स्ट्रेच करता है एक लीनियर मैनर में। ये भी एक लंबाकार रूप में हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये लॉन्ग स्ट्रिप हो सकती है माउंटेन्स की, हिल्स की। ऑल ऑफ द हिल्स ऑफ माउंटेन्स आर सेम एज। ठीक है, ये सभी जो माउंटेन्स होंगे ये अलग अलग एज के नहीं होंगे कि इनमें से एक प्री कैम्ब्रियन एज का है और एक कैलेडोनियन का है, एक हर्सियन, एक अल्पाइन, ऐसा नहीं, ये सब सेम एज के होंगे। लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल कंडीशन है वो उसमें वेरिएशन हो सकता है, यानी कि किसी का समिट्स ज़्यादा ऊंचे हो सकते हैं, किसी के समिट्स नीचे हो सकते हैं, किसी का डिप एंगल कुछ और डिग्री पे हो सकता है, किसी का डिप एंगल कुछ और डिग्री पे हो सकता है। तो एज तो इनकी सेम होगी, सेम एज, देखो लिखा है यहाँ पे सेम एज, बट स्ट्रक्चरल वेरिएशन इसमें हो सकता है अलग अलग माउंटेन्स में इसके। ठीक है, और एक माउंटेन चेन कंसिस्ट करती है वेरियस पैरेलल माउंटेन चेन। यहाँ से माउंटेन चेन के बारे में बता रहा है आई थिंक, हाँ ये नीचे जो है ना नेक्स्ट, यहाँ से माउंटेन चेन आ जाएगा। ये माउंटेन चेन अब क्या होता है? तो माउंटेन चेन कंसिस्ट करता है सेवरल पैरेलल लॉन्ग नैरो माउंटेन्स को ऑफ डिफरेंट पीरियड्स। अब ये अलग अलग पीरियड के होंगे। माउंटेन रेंज में क्या था? तो माउंटेन रेंज में तो सब सेम एज के थे, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल वेरिएशन था, देखो यहाँ पे। लेकिन जो माउंटेन चेन होते हैं इसमें अलग अलग प्रकार के, मतलब कई सारे पैरेलल लॉन्ग नैरो माउंटेन्स होते हैं अलग अलग पीरियड्स के। ठीक है, समटाइम द माउंटेन रेंजेस आर सेपरेटेड बाय फ्लैट अपलैंड और प्लेट्यूज। और कभी कभी ये जो माउंटेन है, एक माउंटेन है इसके बीच में एक फ्लैट सरफेस है, फिर दूसरा, या फिर प्लेट्यू आ गया बीच में, फिर दूसरा माउंटेन है, ये अलग एज का होगा, ये अलग एज का होगा। इस प्रकार के सिस्टम को हम माउंटेन चेन कहेंगे। ओके, क्लियर है बात? एनी प्रॉब्लम? इसको मैं ठीक करके आपको बताऊंगा, एक सेकेंड। हाँ, जैसे इसको हमें यहाँ पर लगाना चाहिए ऐसे, ठीक है, माउंटेन चेन। ठीक है, ओके, माउंटेन चेन कंसिस्ट करता है कई सारे पैरेलल जो माउंटेन्स होते हैं जो कि अलग अलग एज को बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए अब ठीक है, ठीक हो गया। अब आगे आ गया माउंटेन सिस्टम। माउंटेन सिस्टम क्या होता है? माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट करता है डिफरेंट माउंटेन रेंजेस को जो कि सेम पीरियड के होते हैं। डिफरेंट माउंटेन रेंजेस आर सेपरेटेड बाय वैलीज, और ये अलग अलग वैलीज के द्वारा सेपरेट होते हैं, जैसे चेन के बारे में बताया था। माउंटेन ग्रुप क्या होता है? माउंटेन ग्रुप में कंसिस्ट करता है कई सारे अनसिस्टमेटिक पैटर्न्स, जिसका कोई एक सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं है, ठीक है, डिफरेंट माउंटेन सिस्टम्स के। कई सारे माउंटेन सिस्टम होते हैं माउंटेन ग्रुप में। माउंटेन ग्रुप का मतलब तो यही है कि अलग अलग पैटर्न वाले माउंटेन्स हो सकते हैं, तो इसको हम माउंटेन ग्रुप कहते हैं। कार्डिलेरा क्या होता है? कार्डिलेरा कंसिस्ट करता है कई सारे माउंटेन ग्रुप को, और एक माउंटेन ग्रुप में तो कई सारे पैटर्न होते हैं और कई सारे माउंटेन ग्रुप मिल जाते हैं, तो वो कार्डिलेरा बन जाता है, ठीक है। और कार्डिलेरा इज अ कम्युनिटी ऑफ माउंटेन्स, ये पूरी एक कम्युनिटी है, ठीक, माउंटेन्स की, जिसमें अलग अलग रेजेस, रेंज, माउंटेन चेन्स, माउंटेन सिस्टम होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो नॉर्थ अमेरिका का ये रॉकीज माउंटेन है, ये कार्डिलेरा का बेस्ट एग्जांपल है। रॉकीज कार्डिलेरा जिसको बोलते हैं, ये नीचे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। ये अलग अलग इसमें ग्रुप्स माउंटेन्स के दिखाई देते हैं। ये ग्रुप किसी और रेंज को बिलोंग करता होगा, वो ग्रुप किसी और को बिलोंग करता होगा, ऐसे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? इतने ये टर्मिनोलॉजी है, इनको याद रखना है। अब अगर हम क्लासिफिकेशन करें माउंटेन्स का, तो अलग अलग बेसिस पे कर सकते हैं कि उनका ओरिजिन कैसे हुआ है, वो किस प्रकार के माउंटेन्स हैं, उनकी हाइट के बेसिस पे उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो हाइट के बेसिस पे लो माउंटेन जो कि 700 से 1000 मीटर के बीच में है, तो वो लो माउंटेन्स हैं। रफ माउंटेन किनको कहते हैं? जो 1000 से 1500 मीटर के बीच में है। ट्रिग माउंटेन किसको कहते हैं? जो 1500 से 2000 मीटर के बीच में है। और हाई माउंटेन उन्हें कहते हैं जो कि 2000 मीटर से ऊपर है, वो हाई माउंटेन कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर यहां तक? कोई प्रॉब्लम किसी को बताइए फटाफट से कमेंट करके। ओके, गुड। तो आगे बढ़ा जाए। ओके, तो देखिए अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन देखें। तो माउंटेन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, यानी कि माउंटेन का ओरिजिन कैसे हुआ है। क्या माउंटेन एक ही प्रकार से ओरिजिनेट हो सकता है? नहीं, अलग अलग प्रकार से हो सकता है। वो टेक्टोनिक माउंटेन हो सकता है, टेक्टोनिक प्लेट की वजह से दो प्लेटें पास में आ गई माउंटेन बन गया, दो प्लेटें दूर चली गई एक ब्लॉक माउंटेन बन गया, तो इस प्रकार से माउंटेन बन सकते हैं। तो इसमें हम टेक्टोनिक माउंटेन्स जैसे कंप्रेसिव फोर्स की वजह से बन सकता है, या फिर टेंसाइल फोर्स या टेंशनल जो फोर्स होता है इसकी वजह से बन सकता है। कंप्रेसिव फोर्स क्या है, चीज़ें आपको बता दी हैं पहले, तो आपको पता होना चाहिए, जो कि दोनों के दोनों एंडोजेनेटिक फोर्स होते हैं। और कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स, दोनों के दोनों कैटास्ट्रॉफिक फोर्स हैं, या फिर ये बहुत स्लो मूवमेंट वाले फोर्स हैं। क्या इनको हम कैटास्ट्रॉफिक बोलेंगे या फिर ये स्लो मूवमेंट फोर्स हैं? जल्दी से बताइए। कंप्रेशन फोर्स और टेंसाइल फोर्स कैटास्ट्रॉफिक हैं या फिर स्लो मूवमेंट फोर्सेस हैं? जल्दी कमेंट करिए। ओके, और डीप एंडोजेनेटिक फोर्स हैं, इनकी वजह से माउंटेन्स बन सकते हैं। और ये माउंटेन फर्दर इनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं उनके निर्माण प्रक्रिया के अनुसार से, जो कि फोर्सेस उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहले फोल्डेड माउंटेन। अब फोल्डेड माउंटेन को भी फिर हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन, मैच्योर है, फिर ओल्ड है। एक तो ये कैटेगरी हो गई है ये सब के सब फोल्ड माउंटेन ही, ठीक है, वेरी गुड। ये स्लो मूवमेंट है, गुड। अब दूसरे माउंटेन हो सकते हैं ब्लॉक माउंटेन। अब फोल्ड माउंटेन कैसे बनेगा वो तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि दो प्लेटें पास में आती हैं और एक कॉन्टिनेंट है, एक ओशनिक है, इसकी वजह से ये कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर मूव कर जाती है, जिससे बन जाता है ऐसे माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है ये भी आपको पहले बता दिया है मैंने। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है? जब दो प्लेटें दूर जाती हैं, फ्रैक्चर पड़ जाती है एक ही प्लेट में, तो ये भाग ऊपर चला जाए या तो फिर बीच वाला भाग नीचे चला जाए, तो ये एक फॉल्स माउंटेन दिखता है हमें। इसको हम फॉल्स माउंटेन भी कहते हैं क्योंकि ये माउंटेन नहीं होता, दिखता माउंटेन की तरह है, इसीलिए इसे ब्लॉक माउंटेन या होस्ट पर्वत भी कहते हैं। होस्ट पर्वत, ब्लॉक माउंटेन एक ही चीज़ है, जिनके बीच में रिफ्ट वैली या ग्राबेन वैली होती है। ठीक है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली का नाम बताइए और भारत में कोई एक रिफ्ट वैली का नाम बताइए। पूरे विश्व की रिफ्ट वैली का नाम, जो जॉर्डन नदी की घाटी है अफ्रीका की, और भारत में नर्मदा वैली है, तापी वैली, ये सब रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है। और ब्लॉक माउंटेन जैसे सतपुड़ा माउंटेन है। ठीक है, अब कुछ रेलिक्ट माउंटेन होते हैं, ये भी एक प्रकार के माउंटेन है। ओके, और रेलिक्ट माउंटेन का मतलब होता है कि वो एक समय में ओरिजिन तो किसी दूसरे प्रकार से हुए होंगे, लेकिन वर्तमान समय में वो आज इतने ओरिजिन हो चुका है कि उनके आज अवशिष्ट बचे हुए हैं, रेसिड्यूल फॉर्म में वो बचे हुए हैं। रेलिक्ट माउंटेन को रेसिड्यूल माउंटेन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे अरावली भारत में है, तो अरावली ये सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है। अरावली, सतपुड़ा, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ये सब इंडिया में। और वैश्विक स्तर पर देखें तो अपलेशन जो माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका के, ये पुराने माउंटेन्स में से एक है, बहुत पुराने माउंटेन में से एक है, जो कि जिनका आज इरोजन हो चुका है, बहुत ज़्यादा वेदरिंग हो चुकी है। अपलिफ्टमेंट तो इनमें अब नहीं हो रहा है, लेकिन इरोजन वेदरिंग अब इनमें काम कर रही है। ठीक है, जिनकी वजह से इनका अब ऐसा लगता है कि अवशिष्ट बचा हुआ है, तो इसलिए इनको कहते हैं कि ये रिलिक्ट माउंटेन है, अवशिष्ट पर्वत है, जिनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। और फोल्डेड माउंटेन की बनने की प्रक्रिया यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। प्लेट ऊपर आती है तो ये समुद्री प्लेट है नीचे सबडक्ट हो जाएगी। सबडक्शन जोन को एक और नाम से पुकारते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है सबडक्शन जोन का? नहीं, ये टेंशनल फोर्स से बनता है ब्लॉक माउंटेन। टेंशनल फोर्स यानी जब दो प्लेट, एक प्लेट होगी इसमें क्रैक पड़ जाए, या तो ऐसे करके, ठीक, क्रैक पड़ गया तो ये प्लेट नीचे चली जाए, सबडक्ट हो जाए नीचे, या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाए, या तो ये वाला पार्ट ऊपर हो जाए। कंप्रेशन से नहीं बनेगा, कंप्रेशन होगा तो फिर ये फोल्ड माउंटेन बन जाएगा। हाँ, वेरी गुड। इसको बोलते हैं बेनी ऑफ जोन कहलाता है। गुड, सबके सब बताइए। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो माउंटेन है वो हर एक जियोलॉजिकल पीरियड में डेवलप नहीं हुए हैं, उनके खास कुछ माउंटेन एजेस हुए हैं। जैसे आपने प्री कैम्ब्रियन से लेकर के, और ये पूरा कैम्ब्रियन युग की चट्टानें, कैम्ब्रियन से लेकर के जो आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन से लेकर, और ये नियोजॉइक तक, आर्कियन से नियोजॉइक तक पूरा टाइम पीरियड पड़ा है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। क्या उस पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में माउंटेन डेवलप हुए हैं? इसका जवाब है नहीं, ये कुछ खास टाइम पीरियड में ही डेवलप हुए हैं। 4 टाइम पीरियड रहे हैं जिनमें माउंटेन डेवलप हुए हैं, 4 याद रखने, सीक्वेंस में। सीक्वेंस यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। प्री कैम्ब्रियन माउंटेन एज, कैलेडोनियन माउंटेन एज, हर्शियन माउंटेन एज और अल्पाइन माउंटेन एज। देखो, प्री कैम्ब्रियन, फिर आएगा कैलेडोनियन, फिर आएगा हर्शियन, फिर आएगा अल्पाइन। इसमें सबसे पुरानी माउंटेन एज कौन सी है? प्री कैम्ब्रियन। सबसे नई अल्पाइन। सबसे पुरानी से सबसे नई का सीक्वेंस ये है। इस तरीके से आपको याद रखना है, प्री कैम्ब्रियन, फिर कैलेडोनियन, फिर हर्शियन और फिर अल्पाइन। ओके, क्लियर है इतनी बात? ओके, वेरी गुड। तो ये एग्जाम के लिए याद रखिएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में। अब देखिए इनकी खास बातें क्या है। प्री कैम्ब्रियन से तो नाम से ही आपको स्पष्ट है कि ये प्री कैम्ब्रियन एज की चट्टानें हैं, नाम से समझ में आ रहा है कि प्री कैम्ब्रियन युग की जो चट्टानें, कैम्ब्रियन से पहले का जो टाइम पीरियड है उसको प्री कैम्ब्रियन बोल देते हैं। इसके आपको लॉरेशियन माउंटेन जो है और ये अलगोमन माउंटेन्स हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। और ये क्लारनेन माउंटेन है, नॉर्थ अमेरिका के हैं ये सब। और ये फेनोस्कैंडिया माउंटेन्स हैं, नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड्स हैं, और भी ये यूरोप के माउंटेन है। तो ये सब है, इसमें इम्पॉर्टेंट तो नहीं है ज़्यादा। और इस समय के जो माउंटेन्स हैं आज वो बस रिलिक्ट फॉर्म में बचे हुए हैं। रिलिक्ट यानी कि उनके अवशिष्ट बचे हुए, रेसिड्यूल फॉर्म में बचे हैं। नेक्स्ट आता है कैलेडोनियन माउंटेन। ये जब मैंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताया था तो उस समय पर भी बताया था कि ये कैलेडोनियन माउंटेन किस टाइम पीरियड में होगा। तो देखिए, ये सिलूरियन और डिवोनियन टाइम पीरियड को बिलोंग करता है। एग्जाम में ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा, ये देख दिया कैलेडोनियन, इधर हर्सियन, इधर अल्पाइन और इधर टाइम पीरियड दे दिया। मैच करो कौन किसके टाइम पीरियड से बिलोंग करता है, इसके लिए याद रखिएगा। तो कैलेडोनियन प्री कैम्ब्रियन का तो आपको पता ही है, और कैलेडोनियन सिलूरियन और डिवोनियन को बिलोंग करता है। सिलूरियन और डिवोनियन टाइम पीरियड, ये पीरियड्स हैं, ये किस एरा को बिलोंग करते हैं ऐसे भी पूछ सकता है सवाल, और पूछा भी है भी रिसेंट। ये सिलोरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन किस एरा को बिलोंग करते हैं बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए। किस एरा से बिलोंग करते हैं? प्री कैम्ब्रियन के बाद कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलोरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन, फटाफट बताइए। हाँ गुड, सभी बताइए, सभी एक साथ। तो ये बिलोंग करते हैं पैलियोजोइक को, पैलियोजोइक, ठीक है, अजोइक, आर्कियन, पैलियोजोइक, पैलियोजोइक को बिलोंग करते हैं। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं? अपलेशियन, स्कैंडिनेवियन जो यूरोप के स्कैंडिनेविया में है, स्कैंडिनेवियन, ब्राजीलाइट्स हैं जो साउथ अमेरिका के, अरावली, महादेव, सतपुड़ा है इंडिया के, ये सब इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं इस कैलेडोनियन टाइम पीरियड में, ठीक है। नेक्स्ट है हर्सियन, हर्सियन माउंटेन सिस्टम जो कि परमियन से बिलोंग करते हैं और परमो कार्बोनिफेरस, परमियन और कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड को जो बिलोंग करते हैं, ठीक। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं? जो इबेरियन पेनिनसुला के माउंटेन्स हैं, ठीक है, इसके एग्जांपल इसमें, और ये बेगेनियन कोलफील्ड है, राइन मासेस हैं, राइन नदी की जो घाटी है जर्मनी में, और वाजेस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के, ये सब इम्पॉर्टेंट है इसमें। हर्ट्स माउंटेन्स हैं, इम्पॉर्टेंट है इसमें, अल्ताई, शान और बैकाल आक्स हैं, त्यान शान माउंटेन्स इसमें इम्पॉर्टेंट है, तारिम बेसिन इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो ईस्टर्न कार्डिलेरा है, अपलेशन यहाँ से देखो डेवलप हुआ है, यहाँ पर भी डेवलप होता हुआ है कैलेडोनियन से हर्सियन तक, ठीक है, अपलेशन माउंटेन, ये सब इसमें इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, क्लियर, ओके। अब आ जाते हैं अल्पाइन माउंटेन सिस्टम पे। तो इनको टर्शरी माउंटेन ओरिजिन भी कहते हैं, टर्शरी माउंटेन्स भी कह सकते हैं। टर्शरी माउंटेन्स यानी कि कौन से जियोलॉजिकल पीरियड होंगे? टर्शरी एरा में कौन कौन से जियोलॉजिकल पीरियड होते हैं? 5 के नाम बताइए फटाफट जल्दी से। टर्शरी जियोलॉजिकल पीरियड में, मतलब इसमें ये एरा है पूरा टर्शरी एरा, तो इसके कौन कौन से पीरियड्स हैं ये आपको बताना है। गुड, सभी के सभी बताया करें। क्वार्टनरी नहीं, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, ये 5 हैं, बताए थे ना। तो इसमें ही हिमालय भी बना है, और बाकी जो नए फोल्डेड माउंटेन्स हैं जैसे रॉकीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका के, एंडीज़ हैं साउथ अमेरिका के, अल्पाइन माउंटेन सिस्टम है यूरोप में, और ये पेनेरीज़ हैं, बाल्कन पेनिनसुला है, काकेसस हैं, कैंटब्रियन हैं, एपेनाइन्स हैं, डायनेरिक आल्प्स हैं, अल्टाई माउंटेन्स हैं, और हिमालय है, पामीर नॉर्थ है अफ्रीका की जिसमें एल्ब्रोस, और ये इसके अलावा एशिया में क्यूनलुन और ये टॉरस, जैगरोस, पॉन्टिक, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो जो जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो सब इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आपको लिस्ट बना के याद रखना है, ठीक है, क्लियर बात। इसके बाहर कोई माउंटेन नहीं देखना है, ये बस हो गया, बस इतना इम्पॉर्टेंट है। ब्लॉक माउंटेन से रिलेटेड आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कि ब्लॉक माउंटेन कैसे करके बनते हैं, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज भी हैं नीचे। अब ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये जो इंडोजेनेटिक फोर्स हैं इसकी वजह से। अच्छा, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स जब कंप्रेस होगा नीचे की तरफ, टेंसाइल फोर्स तो ये है, दो प्लेटें जब दूर जा रही हैं ये नीचे वाला भाग है, फॉल्ट बन गया नीचे, क्रिएट हो गया, तो इस वजह से ये बन सकते हैं। मुख्य रूप से आप ये बात याद रखिएगा, इंडोजेनेटिक फोर्स और टेंसाइल फोर्स, अगर इन दोनों में सेलेक्ट करने को आए तो टेंसाइल फोर्स होगा। यंग ब्लॉक माउंटेन जो होते हैं जैसे अल्बर्ट है, वार्नर है और कालमत लेक है, ये सब एग्जांपल याद रखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हैं वॉजेस और ब्लैक फॉरेस्ट, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, अगर यहाँ से पूछेगा तो जर्मनी का, दो पर्वत हैं, इनके बीच में राइन नदी की घाटी है यूरोप में, जर्मनी में। साल्ट रेंज है पाकिस्तान का, सियरा नेवाडा है कैलिफोर्निया यूएसए में। विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है सियरा नेवाडा कैलिफोर्निया यूएसए में। कैलिफोर्निया यूएसए आपका एक फॉल्ट के लिए भी फेमस है। किस प्रकार का फॉल्ट है? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। किस प्रकार का? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, जिसे हम कंजर्वेटिव फॉल्ट भी कहते हैं। और फॉल्ट फिर दो प्रकार के हो जाते हैं, राइट या लेफ्ट। तो ये राइट डिस्ट्रक्टल का एग्जाम्पल होता है, याद रखना, ठीक है। और भारत में सतपुड़ा है, ये इसका एग्जाम्पल है। इससे रिलेटेड दो थ्योरीज हैं, फॉल्ट थ्योरी और इरोजन थ्योरी। फॉल्ट थ्योरी मतलब फॉल्ट के द्वारा ये डेवलप हुए हैं ब्लॉक माउंटेन्स, और इरोजन मतलब ये इरोजन की वजह से हुए हैं, डिफरेंशियल इरोजन की वजह से। ये बीच वाले पार्ट का इरोजन हो गया और दोनों तरफ के माउंटेन का नहीं हो पाया, तो ये बीच में एक वैली बन गई जिसको रिफ्ट वैली बोल देते हैं, और ये माउंटेन सा दिख रहा है, तो ये आपका ब्लॉक माउंटेन हो गया। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अब ये देखिए फॉल्ट थ्योरी में कौन कौन स्कॉलर हैं, तो क्लेरेंस किंग हैं और जीके गिलबर्ट हैं, और बाद में आगे जाकर के लोडरबैक ने इनका इस थ्योरी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। विलियम मॉरिस डेविस भी हैं इसमें। और इरोजन थ्योरी ब्लॉक माउंटेन से रिलेटेड, इसमें जेएफ स्पुर हैं। इसको बस इतना ही देखना है, ज़्यादा नहीं करना है, चाहो तो एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब फोल्ड माउंटेन के बारे में, ये फोल्ड माउंटेन्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में 4-5 स्टेटमेंट आपको दे देगा कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट है जो फोल्ड माउंटेन से रिलेटेड है या नहीं है। तो फोल्ड माउंटेन देखिए, पूरे विश्व में यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स में से एक होते हैं, अर्थ सरफेस के यंगेस्ट माउंटेन्स हैं ये फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत हैं, ओके। और ये फॉर्म्ड हुए हैं ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स बाय स्ट्रॉन्ग कंप्रेसिव फोर्स। जो भी समुद्रों में डिपोजिशन होता है, डिपॉजिट होता है या अवसाद होता है, अवसाद का दो प्लेटों के पास आने से अवसाद का ऊपर अपलिफ्ट हो जाना, इस वजह से ये माउंटेन्स बने हैं, ठीक है। अभी जो मैंने कहा ना कि समुद्रों में ये अवसाद था, तो इसी को जियोसिंक्लाइन कहते हैं, आगे बताएंगे अभी, ठीक है। इसकी वजह से माउंटेन बने हैं। दूसरा, सेडिमेंट बहुत गहराई में था, कई बार हमें यह भी पाया गया है कि ये जो सेडिमेंट है जिस वजह से माउंटेन्स बने हैं किसी एक समुद्र में, तो ये कई 1000 मीटर की डेप्थ तक ये फैले, मतलब इनका गहराई था। अब ये जो माउंटेन्स हैं देखिए, इनकी खास बात ये है कि लंबाई तो इनकी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इनकी विड्थ थोड़े कम है, लंबाई काफ़ी है। जैसे हिमालय को ही आप देख लीजिए, 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है ईस्ट टू नॉर्थ तक, लेकिन चौड़ाई कम है, चौड़ाई 400 किलोमीटर के आसपास है। तो लंबाई ज़्यादा, चौड़ाई कम, ये इनकी खास बात है, क्योंकि ये जियोसिंक्लाइन इसी प्रकार से होते हैं। जियोसिंक्लाइन से ही माना जाता है कि सारे जितने फोल्डेड माउंटेन हैं वो बने हैं। आउट ऑफ जियोसिंक्लाइन हैव बीन कम आउट द ऑल माउंटेन, जो जियोसिंक्लाइन को आप कह सकते हैं कि क्रेडल ऑफ माउंटेन है। एग्जाम में अगर पूछें कि क्रेडल ऑफ माउंटेन कौन है, तो जियोसिंक्लाइन है। क्रेडल माने पालना, पालना मतलब जिसमें ये माउंटेन सारे बने हैं, पले हैं, तो ये जियोसिंक्लाइन है, यह जिसको हिंदी में भू सन्नति कहते हैं। और 2018 में जियोसिंक्लाइन को एग्जाम में जियो सिनेक्टिव बोल दिया था, जियो सिनेक्टिव, देखा है क्वेश्चन 2018 का जियो सिनेक्टिव, तो वो जियो सिनेक्टिव भी जियोसिंक्लाइन ही है, और इनको क्रेडल ऑफ माउंटेन बोलते हैं। तो ऑल ग्रेट माउंटेन्स, जो फोल्डेड माउंटेन्स हैं, वो इन्हीं क्षेत्रों में मिलते हैं, इन्हीं साइट्स पर मिलते हैं जहाँ पर पहले कभी जियोसिंक्लाइन हुआ करती थी, अभी आगे बताएंगे। और ये सारे जो फोल्डेड माउंटेन हैं, इनकी खास बात ये भी है कि इनका एक साइड कॉन्केव और एक साइड कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स उल्टी कटोरी होती है, कॉन्केव सीधी कटोरी होती है, ठीक है। एक साइड कॉन्केव, एक कॉन्वेक्स होता है। और फोल्डेड माउंटेन हमेशा कॉन्टिनेंट और ओशन के मर्जिंग, जो मर्ज एरिया वाला होता है, जहाँ पर कॉन्टिनेंट ओशन मिलते हैं, तो इस क्षेत्रों में ज़्यादा मिलते हैं। जैसे आप इसको हिमालय को देख लीजिए, पहले वहाँ पर टेथिस सी हुआ करता था, रॉकीज एंडीज देख लीजिए, तो सब समुद्रों के मर्ज एरिया पर है, तो ये इनकी खास बातें हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं पहली थ्योरी, जो कि माउंटेन के ओरिजिन से रिलेटेड है, जिसको हम जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। पहले मुझे बताइए कि यहाँ तक बात क्लियर है, सभी को समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? फटाफट बताइए। ओके, वेरी गुड एक मिनट का वेट कीजिएगा, ऐसे ही रहिएगा, जाइएगा मत, मैं अभी आया एक मिनट में। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। जियो सिंक्लाइन पर अब हम पहुंच गए हैं। यहाँ से अब थ्योरी शुरू हो रही हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जियो सिंक्लाइन, आपने कई बार इसका नाम सुना होगा। जियो सिंक्लाइन क्या है, तो मैं बिल्कुल आपको एक आसान शब्दों में बताता हूँ जियो सिंक्लाइन क्या होता है। देखो, जहाँ पर आज आपको कोई वाटर बॉडी आपने देखी है अपने घर के आसपास, कोई तालाब हो, कोई झील हो या समुद्र है, तो उसके कभी ना नीचे कहीं ना किसी ना किसी गहराई पर स्थल भाग तो होगा ही, जिसे हम ओशनिक प्लेट भी कह सकते हैं। अगर ओशन के नीचे है तो ये ओशनिक प्लेट हो सकती है, करेक्ट है। अब ये जो ओशनिक प्लेट है, ठीक, एक गड्ढा है जिसके ऊपर पानी भरा हुआ है, ठीक, देखिए ज़रा, वेट, ये ओशनिक प्लेट है जिसके ऊपर ऐसे पानी भरा हुआ है, ठीक है, ऐसे गड्ढा था, इस पर पानी भरा हुआ है। इसी गड्ढे को कोबर ने क्या कहा, जियो सिंक्लाइन कहा है, बस और कुछ नहीं है। ये एक गड्ढा है जिसके ऊपर पानी भरा हुआ है, जिसमें आसपास से नदियां आती हैं, अपने साथ अवसाद, सेडिमेंट, जो भी उस समय माउंटेन्स रहे होंगे, लैंडफॉर्म्स रहे होंगे, उन सभी को इरोजन करके, उनसे काट काट करके उनका जो तलछट है वो लेकर के आती हैं अपने साथ, और वो तलछट को या सेडिमेंट को इस गड्ढे में गिराते रहती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर वो तलछट जमा होते रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखो कैसे जमा हो रहा है। ये तलछट यहाँ पर ऐसे जमा हो रहा है, धीरे 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 करके ये तलछट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इसमें नीचे की तरफ प्रेशर लगने लगेगा। अब जैसे मैं यहाँ पर कोई एक पेपर रख दूँ, ऐसे ये पेपर है मान लीजिए, इस पेपर में बीच में प्रेशर लगाने लग गए तो क्या होगा, ये बीच से नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें भी फिर नीचे की तरफ प्रेशर लगने लगा क्योंकि सेडिमेंट का लोड पड़ गया है। प्रेशर पड़ेगा तो ये दोनों किनारे इसके आसपास आने लग जाएंगे। जाहिर सी बात है, किनारे आसपास आएंगे तो दोनों तरफ इसके इस तरीके से फोल्डेड माउंटेन बन जाएंगे। ये होता है जियोसिंक्लाइन। तो इसमें हमने तीन चीज़ें देखी। सबसे पहले इसमें तलछट आया, तो तलछट आने की वजह से इसमें ये जमा हो गया यहाँ पर सेडिमेंट, तो इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। पहली प्रक्रिया अवसादीकरण की पहली प्रक्रिया होती है। यहाँ पर अवसादीकरण होगा, फिर इसमें ये जो सी फ्लोर है वो नीचे की तरफ बेंड होगा, जिसको हम सब्सिडेंस बोलते हैं। ठीक है, सब्सिडेंस मतलब नीचे की तरफ इसमें एक नीचे की तरफ जोर पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये सी फ्लोर जो है वो काफ़ी बेंड हो चुका है, तो ये सब्सिडेंस होता है, फ्लोर का नीचे की तरफ दबाव पड़ना। ठीक है, अब फाइनली इसमें जा करके फिर माउंटेन ओरोजेनी होगी। ओरोजेनी, ओरोजेनी मतलब इसमें फोल्डिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये जियोसिंक्लाइन की पूरी प्रोसेस होती है, सिंपल। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा टेक्निकल तरीके से देखेंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये तो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हाँ समझ गए, अच्छा है। अब आगे देखिए, माउंटेन जियोसिंक्लाइन का मतलब होता है कि जियोसिंक्लाइन एक वाटर डिप्रेशन है, जो मैंने आपको भी यहाँ पर बताया है कि वाटर डिप्रेशन है, ये एक गड्ढा है। डिप्रेशन मतलब एक गड्ढा है, ऐसा समझो, वाटर डिप्रेशन है जिसमें सेडिमेंटेशन होता है। नदियाँ अपने साथ सेडिमेंट लेकर के आती हैं और सेडिमेंट के साथ साथ फिर उसमें डिपोजिशन होता है। सेडिमेंटेशन हुआ, सब्सिडेंस होगा, माउंटेन ओरोजनी होगी। तीन प्रक्रियाएँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी जियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है, ज्योग्राफर्स का भी ऐसा मानना है कि जितने भी माउंटेन्स हैं वो सब इन्हीं से निकले हैं। फोल्डेड माउंटेन जितने भी हैं सब इन्हीं से निकले हैं, और ये सेडिमेंट इन्हीं समुद्रों में डिपॉजिट होता था, कंसोलिडेट इकट्ठा होता था। इकट्ठा होने के बाद वो माउंटेन में बदल गया, जिसे हम आज उसे हम जियोसिंक्लाइन कह सकते हैं, उस गड्ढे को, उस वाटर डिप्रेशन को। इस वाटर डिप्रेशन की, इस गड्ढे की कुछ खास बातें हैं, जैसे ये वेरी डीप वाटर बॉडी है, बहुत गहरा वाला भाग है, गहरा ज़्यादा है। बट मरीन फॉसिल्स फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक, मरीन फॉसिल्स भी इनमें मिलते हैं, साथ ही साथ इसमें मरीन ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं जो शैलो सी में मिलते हैं। जे ए स्टीयर का कहना है, जे ए स्टीयर जिनकी पुस्तक है कौन सी, अनस्टेबल अर्थ, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी, पूछी गई है कई बार। जियोसिंक्लाइन हैव बीन लॉन्ग लॉन्ग रिलेटिवली नैरो डिप्रेशन। याद रखिए, लंबे काफ़ी हैं लेकिन उनका चौड़ाई कम है। जैसे हिमालय है ना, लंबा बहुत है, चौड़ाई कम है। रॉकीज भी ऐसी है, एंडीज भी ऐसी है। फोल्डेड माउंटेन ऐसे ही होते हैं, चौड़ाई कम होती है लेकिन लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। लॉन्ग है लेकिन चौड़ाई कम है, जिसके मतलब से हमें ऐसा लगता है कि ये सेडिमेंट के इकट्ठा होने की वजह से हुए हैं। तो जियोसिंक्लाइन की जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर सेटिस्फाई होता है इस तथ्य से। ठीक, अब जियोसिंक्लाइन के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जियोसिंक्लाइन को जियो सिनेक्टिव भी कह सकते हैं, या फिर इसे हिंदी में भू सन्नति कहते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। तो नंबर एक चीज़, ये लॉन्ग होते हैं। जर्नल अगर बात पूछे तो स्कॉलर के पर्सपेक्टिव से अलग अलग बात कह सकते हैं, लेकिन एक जर्नल पर्सपेक्टिव यही है कि ये लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं और शैलो वाटर डिप्रेशन होते हैं। देखो, पीछे किसी स्कॉलर ने बोला होगा कि ये डीप वाटर डिप्रेशन होते हैं, कोई स्कॉलर बोलेंगे कि शैलो वाटर डिप्रेशन होते हैं, कोई बोलेंगे कि लॉन्ग है, नैरो है, कोई बोलेंगे लॉन्ग है, वाइड है। लेकिन जनरली आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यही है। किसी स्कॉलर का नाम ना दे तब आपको ये बस ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बताने हैं। लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं और शैलो वाटर डिप्रेशन होते हैं, यानी कि छिछले हैं, बहुत ज़्यादा गहराई नहीं है, छिछला पानी है। इसीलिए तो पीछे बताया गया था यहाँ पर कि इनमें ऐसे भी मरीन ऑर्गेनिज्म मिले हैं जो शैलो समुद्र में, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई पर नहीं मिलते हैं, डीप वाले भी मिले हैं। इनमें लगातार सेडिमेंटेशन होता है, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ता है तो फिर नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, जिसे हम सब्सिडेंस कहते हैं। निमज्जन इनमें होता है। जियोसिंक्लाइन हमेशा किसी भी जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में एक जैसे नहीं रहे हैं, उनमें हमेशा चेंज हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर चेंज हुआ है। चेंज उनकी लोकेशन में हमेशा चेंज होता रहा है, शेप, डायमेंशन, उनका जो एक्सटेंशन है जियोसिंक्लाइन का, हमेशा पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, जियोलॉजिकल पीरियड में वो बदलता रहा है, एक जैसे नहीं रहे वो। तो हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी मोबाइल वाटर जोन्स होते हैं, मतलब जो हमेशा गतिशील है, स्थिर नहीं है ये, इनमें परिवर्तन लगातार होता रहा है और हो रहा है। जनरली ये बॉर्डर्ड होते हैं बाय टू रिजिड मासेस जिन्हें फोर लैंड बोलते हैं, यानी कि ये जियोसिंक्लाइन होते हैं, इनके एक तरफ एक रिजिड मास होते हैं, दूसरी तरफ भी रिजिड मास होते हैं जिन्हें हम फोर लैंड बोलते हैं, और जिन्हीं के आगे खिसकने की वजह से और ज़्यादा माउंटेन का एवोल्यूशन होता है। तो ये इनके 5 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, याद रहेंगे आपको, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहने ही चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब अलग अलग स्कॉलर के देखिए, एवोल्यूशन एंड कॉन्सेप्ट्स, तो यहाँ से एग्जाम में कई बार पूछा है कि जो कॉन्सेप्ट है जियोसिंक्लाइन का, देखो कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना, कॉन्सेप्ट जियोसिंक्लाइन का हॉल एंड डाना के द्वारा दिया गया है, जेम्स हॉल एंड डाना के द्वारा दिया गया है, लेकिन थ्योरी इन्होंने नहीं दी है। अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी ई हॉक की है, ठीक है, ये थ्योरी है इनकी। ओके, हॉल एंड डाना का कॉन्सेप्ट इसको दिमाग में बैठा लीजिए, और हॉक की थ्योरी। ये बात देखिए जे.ए. स्टेयर से हमें पता लगता है कि जो थ्योरी है जियोसिंक्लाइन की वो हॉक के द्वारा दी गई, और कॉन्सेप्ट जो है या आइडिया वो हॉल एंड डाना को बिलोंग करता है। ठीक, अब हॉल एंड डाना का कॉन्सेप्ट को देखते हैं ज़रा। डाना कहते हैं, डाना ने काफ़ी माउंटेन्स को स्टडी किया और ये इन्होंने ये पाया कि द सेडिमेंट ऑफ फोल्ड रॉक, सेडिमेंट ऑफ रॉक ऑफ द फोल्डेड माउंटेन, और ओरिजिन ये कहाँ से हुए हैं, मरीन ओरिजिन, यानी कि समुद्रों में से जो डिपोजिशन है इस डिप्रेशन में, वाटर डिप्रेशन में हुआ होगा सेडिमेंटेशन, जिसकी वजह से ये बने हैं। अब ये जो डिपॉजिट होते हैं या फिर जियोसिंक्लाइन होते हैं, डाना के अनुसार, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, शैलो वाटर डिप्रेशन होते हैं या शैलो समुद्र में इनका डेवलपमेंट हुआ है। और जो नाम है जियोसिंक्लाइन वो भी डाना के द्वारा ही दिया गया है, इसको याद रखिएगा। इस तरीके की वाटर बॉडीज़ को डाना ने जियोसिंक्लाइन कहा है। ही डिफाइंड टू द फॉर द फर्स्ट टाइम, इन्होंने सबसे पहली बार जियोसिंक्लाइन को लॉन्ग, नैरो और शैलो वाटर बॉडी या सी बेड कहा था। ठीक है, इसके बाद इन्हीं के साथ ही हॉल, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दोनों ने साथ में दिया है, हॉल कहते हैं कि ये जियोसिंक्लाइन को एलेबोरेट कहते हैं, और आगे हॉल डाना के ही जो शब्द हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू हॉल, द बेड ऑफ जियोसिंक्लाइन आर सब्जेक्टेड टू सब्सिडेंस ड्यू टू कंटिन्यूस सेडिमेंटेशन, ये सब्सिडेंस की वजह से बने हैं। सब्सिडेंस क्यों होता है, क्योंकि लगातार अवसादीकरण या सेडिमेंटेशन हो रहा है। लेकिन द डेप्थ ऑफ वाटर इन जियोसिंक्लाइन रिमेन द सेम, लेकिन इनकी जो डेप्थ है वो सेम रहती है। जियोसिंक्लाइन मच लॉन्गर देन द वाइड विड्थ, ये भी वही बात कह रहे हैं कि ये लॉन्ग ज़्यादा होते हैं लेकिन चौड़ाई इनकी कम होती है, नैरो होते हैं। लेकिन आगे ई हॉग आते हैं, हॉग का कॉन्सेप्ट अलग है, हॉग की क्या है, थ्योरी है। ठीक है, हॉग की थ्योरी है। हॉग कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हॉग, जियोसिंक्लाइन आर रिलेटिवली डीप। अब देखो यहाँ पर इन्होंने शैलो का है, हॉल एंड डाना ने दोनों ने, लेकिन ये बोल रहे हैं डीप है, तो इनके हिसाब से अलग चीज़ है, तो ये बात याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ हॉग में ये हॉग कहते हैं कि जियोसिंक्लाइन डीप वाटर एरियाज होते हैं और ये मच लॉन्गर है देन दे आर वाइड, मतलब चौड़े तो कम है इनके अनुसार भी, लंबे ज़्यादा हैं, लेकिन डीप वाटर जोन है, ये चीज़ याद रखना। और इन्होंने अपने बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक पेलियोजियोग्राफिकल मैप को ड्रॉ किया। यहाँ पर आपको ये मैप दिखाई देगा, पेलियोजियोग्राफिकल मैप, इसको आप मेसोजोइक एरा का मैप भी कह सकते हैं। ओके, इसमें आपको क्या दिखाई देगा, कुछ कठोर रिजिड मास दिखाई देते हैं। ठीक है, मैप ड्रॉ किया, अभी दिखाता हूँ आपको। लॉन्ग, नैरो, ओशनिक ट्रैक्ट्स आपको इसमें दिखाई देते हैं, जिसमें हमें आगे कुछ 5 मेजर रिजिड, आपको बताया था ना कि जो जियोसिंक्लाइन होते हैं वो 2 रिजिड मास से घिरे हुए होते हैं हमेशा, तो इन्होंने 5 रिजिड मासेस को बताया, जिसमें नॉर्थ अटलांटिक मास है, नॉर्थ अटलांटिक मास, सीनो साइबेरियन मास, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, इंडिया, मेडागास्कर मास, पैसिफिक मास, और इन रिजिड मासेस के बीच में 4 जियोसिंक्लाइन को इन्होंने लोकेट किया। कौन कौन से, देखिए जो रिजिड मास है वो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, नॉर्थ अटलांटिक कॉन्टिनेंट मास और सीनो साइबेरियन कॉन्टिनेंट मास, और तीसरा ये हो गया अफ्रीका ब्राज़ीलियन कॉन्टिनेंट मास, इंडिया, ऑस्ट्रेलियन, मेडागास्कर कॉन्टिनेंट मास, ये पूरा हो गया, और ये पैसिफिक कॉन्टिनेंट पूरा रीजन। ठीक है, अभी जो आपको दिखाई दे रहा है ये, जहाँ पर देखो हिमालय है वहाँ पर शैलो वाटर डिप्रेशन होगा, ये लॉन्ग है तो यहीं पे तो हिमालय दिखता है, ये पूरा रीजन, यहाँ पर देखो आल्प्स माउंटेन है, इधर ये पूरा रॉकीज माउंटेन है, इधर ये आपका एंडीज माउंटेन है। तो ये कैसे बने हैं? ये ऐसे ही बने, ये शैलो वाटर डिप्रेशन है, इन्हीं से ये माउंटेन्स बने हैं। इनका कहने का मतलब ये है। समझ में आ रहा है आपको? अब समझ में आया होगा ये क्या कहना चाह रहे हैं। डाना, डाना ने सबसे पहली बार शब्द इस्तेमाल किया था, पीछे बताया तो अभी लिखा हुआ है यहाँ पर, डाना ने बताया। क्लियर है बात? तो देखिए इनमें वाटर डिप्रेशन को, ये जो मैंने जहाँ पर इस तरीके से लोकेट किया है, ये क्या है? ये जियोसिंक्लाइन है, ये गड्ढा है, और यहीं पर फिर सेडिमेंटेशन हो रहा है। जैसे सीनो साइबेरियन से भी सेडिमेंटेशन होगा, और इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन मेडागास्कर से भी सेडिमेंटेशन होगा। इस वाले समुद्र में ये जो गहराई वाला भाग है, इसका नाम क्या है? इस जियोसिंक्लाइन का टेथिस है, जिससे हिमालय बना है, टेथिस जियोसिंक्लाइन। और फिर आज यहाँ पर सेडिमेंटेशन से सब्सिडेंस हुआ और हिमालय आज दिखता है। तो ऐसे ही और भी हैं, जैसे रॉकीज़ की जगह पर रॉकीज जियोसिंक्लाइन हुआ करता था, यानी कि वाटर डिप्रेशन था। यूराल की जगह यूराल डिप्रेशन था, और टेथिस जियोसिंक्लाइन था जहाँ पर आज हिमालय है। सरकम पैसिफिक जियोसिंक्लाइन है, जहाँ पे पूरा अलग अलग माउंटेन्स दिखते हैं। ये सब है, ठीक है? कोई क्लियर यहाँ पे? कोई तो समस्या अभी तक? अभी जो लिटोरल मार्जिन्स हैं जियोसिंक्लाइन के, वो ट्रांस अफेक्टेड रहे हमेशा ट्रांसग्रेशनल और रिग्रेशनल से। ट्रांसग्रेशन और रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? समुद्र का आगे बढ़ना, जिससे इरोजन हो जाता है ट्रांसग्रेशन। रिग्रेशन मतलब समुद्र जब पीछे चला गया, क्योंकि आइस एजेस आई थी, फिर आइस मेल्ट हुआ, इस वजह से। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि ये जो इतने बड़े एक्सटेंसिव लैंड मासेस थे, आफ्टर मेसोजोइक एरा क्या हुआ उनका? व्हाट हैपेंड? उनका क्या हुआ उसके बाद? व्हाट, वेयर डिड दे डिसअपियर? वो क्यों चले गए, कहाँ चले गए? अब जैसे देखो, यहाँ तो पूरा अटलांटिक ओशन है ना, तो ये लैंड मास कहाँ चला गया? वहाँ तो इतना बड़ा डिप्रेशन बन गया। ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर कॉन्टिनेंट मास है। इसके अलावा यहाँ पर आज तो इंडियन ओशन है, वो कहाँ चला गया? पैसिफिक कॉन्टिनेंट, वो कहाँ चला गया? इसका कोई जानकारी इनके पास नहीं है। तो हॉग कुड नॉट एक्सप्लेन, इन तरीके के मैनी मोर क्वेश्चंस को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से थोड़ा ये कम एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ मरीन फॉसिल्स फाउंड्स जो मिलते हैं हमें फोल्डेड माउंटेन में, वो शैलो वाटर डिपॉजिट को बिलोंग करते हैं, शैलो वाटर जो जोन है। और इन्होंने बोला है कि तो काफ़ी गहरे वाले क्षेत्र में, पीछे देखो बोला है ये वेरी डीप। और जो जियोसिंक्लाइन के या फिर माउंटेन्स में हमें, जैसे यहाँ पर हिमालय है ना, तो हिमालय की हम स्टडी करें फॉसिल्स की, तो पता लगता है कि वो ऐसे समुद्रों में रहते जो कम गहराई वाला भाग था, ठीक? तो ये फिर स्टेटमेंट इनको सेटिस्फाई नहीं करता है, हॉक को, ठीक है? क्लियर बात? तो जियोसिंक्लाइन अकॉर्डिंग टू हॉक कैसे है वो भी बता दिया। अब इवांस, इवांस का कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइन का प्रॉब्लम, ओके गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। अब हम इवांस का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, ठीक है? इवांस क्या कहते हैं जियोसिंक्लाइन के बारे में? ये कहते हैं कि जियोसिंक्लाइन को एक किसी थ्योरी के रूप में प्रोपाउंड करना या कॉन्सेप्ट के रूप में प्रोपाउंड करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अलग अलग जियोसिंक्लाइन, अलग अलग माउंटेन जहाँ पर आज दिखते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। उनका कोई एक डिफाइंड लोकेशन, डिफाइंड उनका कैरेक्टरिस्टिक, डिफाइंड उनका पैटर्न नहीं हो सकता। उनकी फॉर्म, शेप, वो हमेशा चेंज होती रही है, किस वजह से? इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से। तो इनके बारे में, इवांस के बारे में एक बात याद रखना, ये कहते हैं कि जियोसिंक्लाइन में भी नैरो और वाइड, वो नैरो भी हो सकती है, वाइड भी हो सकती है। मतलब हम कोई एक थ्योरी नहीं बता सकते कि ऐसे रहे होंगे जियोसिंक्लाइन, या फिर जियोसिंक्लाइन ऐसे ओरिजिन होते हैं। वो नैरो भी हो सकते हैं, वो वाइड भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है? अब इसी को, इन्हीं की समस्या को एक्सप्लेन करने के लिए आगे सुशर्ट आते हैं। वो कहते हैं अच्छा, एक तरीके से एक बात तो नहीं बोल सकते, दो तीन बातें तो बोल सकते हैं। तो इन्होंने कह दिया कि जियोसिंक्लाइन मोनो जियोसिंक्लाइन होती हैं, पॉली होती है और मेसो। इन्होंने तीन कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है? कैसे? जो मेसो जियोसिंक्लाइन होती हैं वो लॉन्ग और नैरो होते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। मोनो जियोसिंक्लाइन लॉन्ग और नैरो होते हैं, जैसे हॉलैंड आने ने बताया था, ठीक है? और इस प्रकार के जियोसिंक्लाइन आइदर विद इन अ कॉन्टिनेंट, या तो वो पूरे एक कॉन्टिनेंट में होती हैं, या तो फिर वो पूरे तरीके से ओशनिक होते हैं, ठीक है, विद इन अ कॉन्टिनेंट, जैसे अपलेशियन ज्योसिंक्लाइन है विद इन अ कॉन्टिनेंट। दूसरा ये बात आगे कहते हैं पॉलीजियोसिंक्लाइन। पॉलीजियोसिंक्लाइन क्या होते हैं, ये लॉन्ग और वाइड होते हैं, ये दूसरी चीज़ है, ये हॉक के द्वारा कही गई बात है, जैसे हॉक की बात है उनसे इंस्पायर्ड है। ये लॉन्ग होते हैं लेकिन वाइड होते हैं, वाइड वाटर बॉडीज होती हैं, और ये वाटर बॉडीज दीज वर डेफिनेटली बॉर्डर देन द मोनोजियोसिंक्लाइन, और जो मोनोजियोसिंक्लाइन होते हैं ये उनसे बॉर्डर्ड होते हैं, ठीक, और रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड देन मोनोजियोसिंक्लाइन, और इनसे ज़्यादा पुराने होते हैं, मोनोजियोसिंक्लाइन से ज़्यादा पुराने पॉलीजियोसिंक्लाइन होते हैं। ओके, इसके बाद आगे कॉम्प्लेक्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इनकी होती है, जैसे रॉकीज और यूराल इनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे होते हैं मेसोजियोसिंक्लाइन। ये बहुत लंबे, नैरो और मोबाइल ओशन बेसिन्स होते हैं जो कि बॉर्डर होते हैं बाय कॉन्टिनेंट फ्रॉम ऑल साइड, चारों तरफ से इनके कॉन्टिनेंट होते हैं, और ये मोबाइल होते हैं, गतिशील होते हैं हमेशा, ठीक है, और कई सारे जियोलॉजिकल फेजेस से ये गुजर चुके होते हैं, यानी कि एक जियोलॉजिकल पीरियड में इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कई सारे पीरियड में हुआ है, जैसे हिमालय इसका एग्जाम्पल है, टैथिस जियोसिंक्लाइन से जो बना है, तो इओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लाइयोसिन पूरा ये बना है, तो अलग अलग जियोलॉजिकल फेज को बिलोंग करता है। अल्पाइन माउंटेन्स है यूरोप के, तो ये सब इसको बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब स्टेजेस अलग अलग स्कॉलर का आपने समझ लिया जियोसिंक्लाइन के बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने समझा अभी हॉलैंडाना का, हॉक का, फिर उसके बाद इवान, सुशर्ट है, सब याद रहेगा ना। ओके पपिया, ओके, बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ओके, जियोसिंक्लाइन की भी देखिए स्टेजेस होती हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि जियोसिंक्लाइन एक ही बार में पूरा डेवलप हो जाता है, जैसे हिमालय भी है, तो आपने पढ़ा होगा कि हिमालय सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना, फिर ग्रेटर हिमालय बना, फिर मिडिल हिमालय बना, और फिर फाइनली लेसर शिवालिक हिमालय बना, अलग अलग स्टेज में बना है। तो वैसे ही उसी जियोसिंक्लाइन से वो हिमालय इसी जियोसिंक्लाइन से तो बना है, तो इसका मतलब है कि इसकी फेज होती हैं या स्टेज जिनको आप कह सकते हैं, जिनमें डेवलप हुआ है। पहली स्टेज को बोलते हैं लिथोजेनेसिस, दूसरी स्टेज को बोलते हैं ग्लिप्टोजेनेसिस, और तीसरी स्टेज को बोलते हैं ओरोजेनेसिस। ये आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। गुड मॉर्निंग अजय बाबू। लिथोजेनेसिस, ग्लिप्टोजेनेसिस और ओरोजेनेसिस, LGO, ठीक है। जैसे देखो ये पहली स्टेज में क्या होता है, पहली स्टेज में फोल्डेड माउंटेन नहीं होते, कहीं दिख रहा है फोल्ड माउंटेन इस तरफ या इस तरफ नहीं दिख रहा होगा, तो इस वाली प्रक्रिया में, इस वाली पहली स्टेज में जिसको हम लिथोजेनेसिस कहते हैं, इसमें सेडिमेंटेशन होता है, अवसादीकरण होता है, जिसकी वजह से जो नीचे वाटर बॉडी का फ्लोर है वो सब्सिडेंस होता है। पहले देखो ये वाटर फ्लोर इतना था, फिर वो धीरे धीरे सेडिमेंटेशन के कारण से इतना सब्सिडेंस हो गया, निमज्जन हुआ, फिर इतना, फिर उतना, और फाइनली वो अभी इतना है। तो इसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं, पहली सेडिमेंटेशन, दूसरा सब्सिडेंस, फ्लोर का सब्सिडेंस होना। फिर दूसरी प्रक्रिया आती है जिसको हम ग्लिप्टोजेनेसिस बोलते हैं। ग्लिप्टोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब निर्माणकारी। इसमें क्या होता है, पहली स्टेज में देखो सेडिमेंटेशन और सब्सिडेंस तो हो ही गया है, अवसाद इसमें इतना हो चुका है कि दोनों तरफ के जो एरियाज हैं, दोनों तरफ के रीजन, लैंडमास जो मार्जिनल रेंज है, मतलब वो आसपास कंप्रेशन फोर्स की वजह से आसपास आना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर दबाव बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ के जो एरिया है वो पास आ जाएंगे एकदम, जिसकी वजह से दोनों किनारों पर, सिर्फ दोनों किनारों पर आपको कुछ रेंजेस बनती हुई दिखाई देंगी, जिनको हम फोर लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? फोर लैंड बोलते हैं इन दोनों को, इसको भी और इसको भी, जियोसिंक्लाइन में। ये एक जनरल बात है, आगे स्पेसिफिक स्कॉलर अलग बताएंगे किसकी वजह से हुआ ये, तीसरा कंप्रेशन फोर्स की वजह से, और इसको क्या बोलते हैं, ग्लिप्टोजेनेसिस। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि अभी जो मिडिल पार्ट है वो फोल्डिंग की प्रक्रिया से, या फिर यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन अभी नहीं बना है बीच वाले भाग में, ठीक है, सिर्फ किनारों पर है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये सेकेंड स्टेज है जिसको हम ग्लिप्टोजेनेसिस बोलते हैं। फाइनल स्टेज होती है जो कि ओरोजेनेसिस होती है। ओरो मतलब पर्वत, जेनेसिस मतलब निर्माणकारी, पर्वत निर्माणकारी। कंप्रेशन फोर्स इतना ज़्यादा हो जाता है सेडिमेंटेशन के कारण से कि पूरा रीजन फोल्डेड माउंटेन में कन्वर्ट हो जाता है। पूरा जो मिडिल पार्ट अभी तक नहीं था वो भी कन्वर्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं स्टेज ऑफ ओरोजेनेसिस। ठीक है, ये इसमें तीन काम होते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। क्लियर? ये सीक्वेंस याद रखना, लिथोजेनेसिस, ग्लेप्टोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है और कुछ नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? यहां तक क्लियर है बात? ठीक है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट थ्योरी, जो कि कोबर की थ्योरी है। कोबर ने जियोसिंक्लाइन के बारे में क्या कहा है? जिन्होंने जियोसिंक्लाइन के बारे में एक डिटेल सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन दिया है, इनकी ये पुस्तक है। ये जर्मन है ना, जर्मन ने जर्मन भाषा में पुस्तक लिखी है। डर बाउ डेर अर डे, पता नहीं ऐसे कुछ नाम है, जर्मन भाषा का शब्द है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इनका कि जो एंशिएंट रिजिड मासेस हैं, प्राचीन दृढ़ भूखंड हैं, या फिर जिनको आप टेबल लैंड मास कह सकते हैं, एंड मोर मोबाइल जोन्स और जियोसिंक्लाइन, इनको इन्होंने ओरिजिन कहा है। यानी कि रिलेशनशिप ढूंढना जो एंशिएंट रिजिड मास है और जो मोबाइल जोन्स हैं, जिनको जियोसिंक्लाइन बोल सकते हैं। आपको पीछे जियोसिंक्लाइन दिखाए थे और एंशिएंट रिजिड मास भी दिखाए थे, तो रिजिड मासेस में और जियोसिंक्लाइन में क्या रिलेशन है, इसको फाइंड आउट करना। ठीक है, इन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ जियोसिंक्लाइन थ्योरी प्रोपाउंड की। इसको एलेबरेट करने के लिए अलग अलग एस्पेक्ट्स कि उनका बिल्डिंग कैसे हुआ है, फॉर्मेशन कैसे हुआ है माउंटेन्स का, उनकी हिस्ट्री, एवोल्यूशन कैसे हुआ है, डेवलपमेंट कैसे होता है, तो ये सब एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। ठीक है, और जो ओल्ड रिजिड मासेस हैं उनको शुरुआत से लेकर के उनकी प्रेजेंट कॉन्टिनेंट कंडीशन क्या है, इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। कॉन्टिनेंट, अकॉर्डिंग टू हिम, प्रेजेंट कॉन्टिनेंट वो ग्रो हुए हैं आउट ऑफ रिजिड मास, रिजिड मासेस से ही वो ग्रो हुए हैं। ही डिफाइंड द प्रोसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग ओरोजेनेसिस एज द प्रोसेस ऑफ लिंक रिजिड मास विद जियोसिंक्लाइन। और ये बताते हैं कि जितने भी माउंटेन्स हैं वो सबके सब रिजिड मास से ही बने हैं। जियोसिंक्लाइन में डिपोजिशन इनका हुआ है, फिर उससे फोल्ड माउंटेन बना है। या फिर दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जियोसिंक्लाइन, इन अदर वर्ड, माउंटेन आर फॉर्म फ्रॉम जियोसिंक्लाइन ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ रिजिड मास। जियोसिंक्लाइन कैसे बने हैं? ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ रिजिड मास। ठीक है, अब ओरोजेनिक फोर्स क्या होता है? ये जो ओरोजेनेटिक फोर्स है, कोबर के द्वारा ही बताया गया है। ओरोजेनेटिक फोर्स वो होता है जिसमें पूरा रीजन फोल्ड माउंटेन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अभी पीछे आपको ये डायग्राम भी दिखाया था ना, तो ये तीसरा ओरोजेनेटिक फोर्स है। इसको आप जरा ध्यान से देखो तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। नीचे लिखा हुआ भी है कुछ बात। ओरोजेनेटिक फोर्स, इसमें स्क्वीजिंग होती है एंड फोल्डिंग होती है जियोसिंक्लाइन की। सेडिमेंट ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स, मतलब पूरा रीजन, यहाँ पर जो भी सेडिमेंट होगा वो स्क्वीज होगा। स्क्वीज समझते हैं, जैसे आप स्पंज होता है कोई, उसको ऐसे हाथ में दबाते हैं तो स्क्वीज करना कहते हैं। सारा कंप्रेस हो जाता है पूरा सेडिमेंट यहाँ का, तो इस फोर्स के कारण से पूरा ये फोल्डिंग के रूप में आपको दिखाई देता है। ठीक है, द होल जियोसिंक्लाइडल सेडिमेंट वो फोल्ड हो जाता है जब कंप्रेसिव फोर्स काम करता है। ठीक है, और पूरे साइड इसके एनॉर्मस और एक्यूट एंगल्स में यहाँ पर आपको फोल्ड माउंटेन दिखाई देते हैं। तो ये ओरोजेनेटिक फोर्स होता है जो इस तरीके से काम करता है। और माउंटेन रेंजेस से सेडिमेंट बदल जाते हैं, किसमें? माउंटेन्स रेंजेस में बदल जाते हैं। ठीक, अब इनकी थ्योरी का कुछ बेस है जिसको हमें समझना होगा और कुछ मैकेनिज्म है, इसको समझेंगे। ठीक है, तो पहला देखिए, अकॉर्डिंग टू कोबर, कोबर कहते हैं कि जो जियोसिंक्लाइन है वो हमेशा मोबाइल वाटर जोन रहे हैं, यानी कि उनमें गतिशीलता रही है, परिवर्तन होता रहा है। जैसे आज वो प्रेजेंट में दिखाई देते हैं, ऐसे हमेशा नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वो मोबाइल वाटर जोन्स हैं। और इन्हीं मोबाइल वाटर जोन्स को उन्होंने जियो सिंक्लाइन कहा, या फिर इनको ये ओरिजिन भी कहते हैं। जियो सिंक्लाइन को ओरिजिन भी कह सकते हैं। ओरिजिन या जियो सिंक्लाइन वो प्लेस है जहाँ पर माउंटेन बिल्ड हुए हैं, जैसे टेथिस जियो सिंक्लाइन, जैसे रॉकीज, एंडीज जियो सिंक्लाइन, वो सब। ठीक है, अब ये जो जियो सिंक्लाइन होते हैं, मोबाइल जोन ऑफ जियो सिंक्लाइन या फिर जिसको ओरिजिन कह सकते हैं, ये सराउंडेड होते हैं बाय रिजिड मास। ध्यान रखना, सराउंडेड बाय रिजिड मास जिसको कहते हैं क्रेटोजेन। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्रेटोजेन। एक क्रेटोजेन होता है, एक रेड केटन होता है, अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आप देखो पीछे एक डायग्राम है इसमें। अब यहाँ पर आपको जियो सिंक्लाइन दिखाई दे रहे हैं, जियो सिंक्लाइन, ये जियो सिंक्लाइन है और ये जियो सिंक्लाइन है, ये एंडीज है, ऊपर रॉकीज जियो सिंक्लाइन है। तो ये सब एंशंट रिजिड मासेस से घिरे हुए है ना। एक रिजिड मास ये है, ये रिजिड मास है, ये रिजिड मास है, ये रिजिड मास है, ये वाला रिजिड मास है, ये इधर पैसिफिक वाला ही है, इससे घिरे हुए हैं। तो एक जियो सिंक्लाइन जो प्राचीन दृढ़ भूखंडों से घिरी हुई होती है चारों तरफ से, जहाँ पर सराउंडेड शब्द होता है, चारों तरफ से घिरी हुई है, उसको बोलते हैं क्रेटोजेन। कौन? जी कोबर। कोबर का दिया गया शब्द है ये बात याद रखना, बहुत पूछा जाता है। यही जो मोबाइल जियो सिंक्लाइन होती हैं, ये चारों तरफ से एंशंट रिजिड मासेस से, प्राचीन दृढ़ भूखंडों से घिरे हुए होते हैं, उनको हम क्रेटोजेन बोलते हैं। हाँ पिंकी, कोई बात नहीं, टाइम पर आना कल से। द ओरिजिन रिजिड मास जिसमें कैनेडियन शील्ड, बाल्टिक शील्ड, अब ये बताते हैं कि जो रिजिड मास है, एंशंट रिजिड मास, वो कौन कौन से हैं। जैसे कैनेडियन शील्ड है, बाल्टिक शील्ड है, रशियन मैसिफ भी जिसको कहते हैं, साइबेरियन शील्ड है, चाइनीज़ मैसिफ है, पेनिनसुला इंडिया है, अफ्रीकन शील्ड है, ब्राज़ीलियन मास है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका रिजिड मास है। ये सब याद रखना कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से कौन सा क्रेटोजेन का एग्जाम्पल है। तो इनको क्रेटोजेन बोलते हैं, जो शील्ड हम बोल रहे हैं ना, जिनको जनरली शील्ड बोलते हैं। तो जी कोबर इनको क्रेटोजेन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे ये बताते हैं फर्स्ट स्टेज जो कि लिथोजेनेसिस है, वो मैंने आपको बताई कि जियो सिंक्लाइन में सब्सिडेंस होता है और वहाँ पर सेडिमेंटेशन होता है। माउंटेन बिल्ड होने की पहली प्रक्रिया लिथोजेनेसिस शुरुआत होती है, और इस सेकंड स्टेज बोलते हैं क्लिप्टोजेनेसिस। फाइनली ओरोजेनेसिस होती है। लेकिन सेकंड स्टेज में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको यहाँ पर अभी दोनों तरफ फोल्ड माउंटेन बताए, कि यहाँ पर देखिए एक तरफ फोल्ड माउंटेन यहाँ पर बन गए, एक तरफ फोल्ड माउंटेन यहाँ बन गए। अभी इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर फोल्ड माउंटेन नहीं है, जैसे पीछे आपको बताया है। तो दोनों तरफ जो फोल्ड माउंटेन होते हैं उसको ये कहते हैं रेड केटन। रेड केटन जो मार्जिनल रेंज है, दोनों किनारों पर रेंज है। जैसे एक फोल्ड माउंटेन इधर है, बीच में अभी वलन नहीं हुआ है क्योंकि अभी इतना फोर्स नहीं पड़ा है, सेकंड स्टेज है ना, और दूसरे फोल्ड माउंटेन इस तरफ है। तो इन दोनों तरफ के फोल्ड माउंटेन को रेड केटन कहते हैं, और जो चारों तरफ दृढ़ भूखंड होते हैं एंशिएंट रिजिड मास, उसको क्रेटोजेन बोलते हैं। दोनों में अंतर है। और यहाँ पर देखो अभी ये बीच वाला जो भाग है, इसमें अभी वलन नहीं है, जिसमें अभी वलन नहीं है, अब वलन से अप्रभावित है, इसको श्वासन वर्ग बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है श्वासन वर्ग, या फिर इसको मीडियन मास भी कह सकते हैं। जो मध्य वाला भाग है मीडियन मास कह सकते हैं। क्लियर है? अब इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं मीडियन मास के। जैसे इसमें इंडिया का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बीच में तिब्बतन प्लेट्यू है। ओके, तो यहाँ पर टेथिस जियो सिंक्लाइन, अल्पाइन माउंटेन, बैटिक कार्डिलेरा, पेनेरीज प्रोविंस, ये इसमें कई सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। ओके, बस आप इतना भी याद रखिएगा, ठीक है? समझ में आए श्वासन वर्ग क्या है, रेड केटन क्या है और क्रेटोजेन क्या है? ये सब इनके द्वारा दिए गए नाम है, और इनको एक बार पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से माउंटेन। ये पीछे मैंने माउंटेन्स आपको बता ही दिए हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो आज वर्तमान समय में अगर हम मीडियन मास को देखना चाहें, जो श्वासन वर्ग है, तो श्वासन वर्ग आपको या तो वो प्लेट्यू के फॉर्म में मिलेगा, या तो वो प्लेन के फॉर्म में मिलेगा, या तो समुद्र के फॉर्म में मिलेगा, या फिर वो स्टेज ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ माउंटेन के रूप में मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये रेड केटन, अभी बताया था आपको कि रेड केटन है, फिर बीच में श्वासन वर्ग है, और फिर से इधर से रेड केटन है। इनको फोरलैंड भी बोल सकते हैं, इनको फोरलैंड या रेड केटन बोल सकते हैं। ये श्वासन वर्ग है। तो ये श्वासन वर्ग इतने रूप में हमें मिल सकता है ऐसे। अब अगर प्लेट्यू के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप तिब्बतन प्लेट्यू को देख सकते हैं, जो कि क्युनलुन और हिमालय के बीच में है तिब्बतन प्लेट्यू। तो ये एक मीडियन मास या स्वाशनबर्ग का एग्जाम्पल है। आप ईरानियन प्लेट्यू को देख सकते हैं जो कि जैग्रोस और एल्ब्रोस माउंटेन के बीच में है। अनातोलियन प्लेट्यू को देख सकते हैं जो कि पेंटिक और टॉरस माउंटेन्स के बीच में है। ठीक है, तो ये इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बेसिन रेंज देख सकते हैं जो कि वाशेस रेंज और सियरा नेवाडा के बीच में है यूएसए में। प्लेन के रूप में देखना चाह रहे हैं तो हंगेरियन प्लेन है, कार्पेथियन और डायनिक आल्प्स के बीच में। समुद्र के बीच में देखना चाह रहे हैं तो ये मेडिटेरेनियन सी है, अफ्रीकन अटलास के माउंटेन के बीच में और यूरोपियन जो है अल्पाइन है इनके बीच में। तो ये कई सारे एग्जाम्पल्स इसके मिलते हैं। और माउंटेन के रूप में देखते हैं तो ये आपको कंटिन्यूस प्रोसेस में भी दिखता है कि हाँ माउंटेन बन रहा है, थर्ड स्टेज में पहुंच रहा है, क्योंकि थर्ड स्टेज ही ओरोजेनेटिक प्रोसेस होती है। तो ये भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। ठीक, अब अगर हम इसका एवोल्यूशन करें पूरी जियोसिंक्लाइन थ्योरी का, तो हम ये कह सकते हैं कि कोबर ने जितना कंट्रैक्शन फोर्स इसमें अप्लाई किया है, जिसकी वजह से पूरा रीजन फोल्ड माउंटेन के रूप में कन्वर्ट हो गया है, वो सफिशिएंट नहीं है। इतना ज़्यादा एक्चुअल में फोर्स नहीं होता, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ठीक है माउंटेन बिल्डिंग के लिए, लेकिन एक्चुअल में इतना फोर्स सफिशिएंट नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता। और दूसरी चीज़, स्वेस एडवर्ड स्वेस के अनुसार जब माउंटेन बनता है तो उसके सिर्फ एक साइड की जो माउंटेन रेंज है वो खिसकती है और दूसरे साइड की माउंटेन रेंज स्टेबल रहती है। जैसे हिमालय में है, हिमालय में नॉर्दर्न साइड आगे की तरफ मूव कर रहा है, सदर्न साइड स्टेबल है, और जो साइड मूव करता है मूविंग साइड उसको स्वेस कहते हैं कि वो बैकलैंड है, और जो साइड स्टेबल रहता है उसको कहते हैं कि वो फोरलैंड है। लेकिन कोबर दोनों को फोरलैंड बोलते हैं। ओके, अब समहाउ एक्सप्लेन करती है ये वेस्ट टू ईस्ट जो एक्सटेंडिंग माउंटेन्स हैं। जैसे हिमालय है, हिमालय को एक्सप्लेन कर देती, लेकिन नॉर्थ साउथ में कैसे एक्सटेंडिंग है माउंटेन रॉकीज एंड इसको ये कैन नॉट एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है थ्योरी, लेकिन फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितनी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है वो आज हमने एक्सप्लेन कर ली। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताइए जल्दी से। हम नेक्स्ट थ्योरीज देखने जा रहे हैं। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट थ्योरी जिसका नाम है, अब बाकी आगे जितनी थ्योरी है ना वो इतना डिटेल में नहीं पढ़नी है, वो बस थ्योरी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस एक एक पेज का काम है, क्योंकि यहाँ से थ्योरी से एग्जाम में ज़्यादा डिटेल में पूछेगा ही नहीं, बस नाम आपसे पूछ लेगा कि ये थ्योरी किसने दी है, ज़्यादा से ज़्यादा किस फोर्स को अप्लाई किया, बस ये। आज तक ये भी नहीं पूछा है, बस ये पूछा है कि ओके अजय बाबू, मैं इसमें शाम को, अभी दोपहर में जब 1 बजे वाली क्लास है ना, तो एग्जाम के इससे बात करूंगा, अभी फ़िलहाल हम इसको पढ़ेंगे, बाकी इससे रिलेटेड बात हम 1 बजे की क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके गुड। तो आगे बढ़ते हैं। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, तापीय संकुचन सिद्धांत, याद रखो इसको। तापीय संकुचन सिद्धांत स्वेस के बारे में, लैंड एंड फोरलैंड। ओके, देखो समझो, देखो स्वेस ने क्या बताया कि पूरा रीजन है तो एक तरफ फोल्ड माउंटेन इधर है, एक तरफ ये है, इसको रेड कैटन बोला है ना कोबर ने, रेड कैटन। लेकिन स्वेस बोलते हैं, स्वेस, कि इनमें से बस एक ही भाग आगे खिसकेगा, बस इसमें ही मूवमेंट है जिसकी वजह से दूसरा भी बन रहा है, ये वाला मूव नहीं कर रहा है, बस एक मूव कर रहा है, और जो मूव करता है उसको बैकलैंड बोलते हैं। बैकलैंड बोले, हाँ, इसको बैकलैंड बोलते हैं, और जो स्टेबल पार्ट है उसको फोरलैंड बोलते हैं। लेकिन कोबर कहते हैं दोनों मूव कर रहे हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, और क्रेटोजन क्या है? क्रेटोजन ये जियोसिंक्लाइन है, इसके चारों तरफ जो रेडियल मास है, चारों तरफ, जो मैप के थ्रू मैंने आपको दिखाया था, जो चारों तरफ रेडियल मास होगा उसको क्रेटोजन बोलते हैं। जैसे देखो इसमें चारों तरफ ये रेडियल मास है ना, तो ये क्रेटोजन है। ठीक, और रेड कैटन इस तरफ के माउंटेन और इस तरफ के माउंटेन रेड कैटन है, बस। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी जेफ्रीज की। तापीय संकुचन सिद्धांत किसका है? डायरेक्ट पूछेगा, जेफ्रीज का है। नाम से स्पष्ट है कि थर्मल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, देखो कोई भी चीज़ गर्म होती है तो वो एक्सपेंड होती है, फैलती है, और कोई भी चीज़ ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है। जेफरीज का मानना ये था कि शुरुआती दौर में जब अर्थ बनी थी तो बहुत गर्म थी, एकदम गर्म तप्त लावा थी, मतलब जैसे सूर्य आज वैसे ही थी क्योंकि उसी से बनी थी। ओके, तो इन्होंने माना कि जैसे ही सूर्य से अलग हुई, क्योंकि एनर्जी का सोर्स खत्म हो गया, तो फिर धीरे धीरे करके वो ठंडी हुई, और ठंडी होगी तो फिर उसमें देखो क्रैक भी पड़ेंगे, जैसे ग्रेनाइट की चट्टानें भी आपने पढ़ी हैं, ठंडी होगी उसमें क्रैक्स पड़ेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट हुई है मतलब संकुचित हुई है, संकुचन की वजह से जो प्लेट्स हैं वो आपस में पास आई हैं, पास आएंगी तो इसमें क्या बन जाएगा, अलग अलग माउंटेन्स हमें दिखाई देता है। बस इसमें इतना ही बात है और कुछ नहीं करना है कि अलग, देखिए चट्टान गर्म थी, पूरी पृथ्वी ठंडी हुई, ठंडी होने की वजह से उसकी प्लेटें पास आई हैं, जैसे सिकुड़ती तो प्लेट पास आती है ना, जैसे आपने सर्दियों में तारों को भी देखा होगा, जो बिजली की तारें होती हैं सर्दियों में वो काफ़ी एकदम कस जाती हैं, इसीलिए उनको बहुत टाइट नहीं बांधते हैं गर्मियों में, और गर्मियों में ढीले हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों में वो कण उनके फैल गए, दूर दूर हो गए हैं, सर्दियों में पास पास आ गए हैं, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, हाँ जेफरीज देखो लिखा हुआ है, तो जेफरीज के बारे में कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्टिस्ट है, यानी कि संकुचनवादी है। संकुचनवादी मतलब इन्होंने माना है कि संकुचन की वजह से तापमान में कमी आई, जिसकी वजह से संकुचन हुआ, जिसकी वजह से ये माउंटेन्स बने हैं, इनका ये मानना है। बस इतना ही देखना है इसमें। ओके, अर्थ कूल हुई, उसके बाद ये पूरा कंडीशन हुई है। बस आगे आगे है स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी। स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी ये किसकी है, डेली की है। इसको ऐसे ही याद रखना एज इट इज़, कहीं आप सोचो कि हिंदी में याद रखें, पता चला इंग्लिश में ऐसे ही लिख दिया स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट, ऐसे लिख दिया तो फिर क्या करोगे, तो इनको एज इट इज याद रखना। और थोड़ी बहुत देखो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी पढ़ना शुरू कर दो, उसको याद करना शुरू कर दो। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती इतनी इंग्लिश में, ये तो थोड़ी बहुत इंग्लिश है, इतना तो पढ़ लिया करो। हिंदी तो रहती है, नहीं होती तो मैं दे देता हूँ हिंदी। स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट क्या होता है कि आपने पढ़ा है पहले कि हमारा जो अपर पार्ट है क्रस्ट का वो सियाल का बना है, सिलिका एल्यूमिनियम का, और नीचे जो मेंटल है वो सीमा का बना है, सिलिका मैग्नीशियम का। देखो सीमा भारी होता है, सियाल हल्का होता है, ये लो डेंसिटी है, ये हाई डेंसिटी वाला भाग है। तो लो डेंसिटी जाहिर सी बात है इसके ऊपर फ्लोट कर सकता है, लेकिन ये बताते हैं ना, ये उल्टा बोलते हैं। तो नीचे वाला भाग है वो हल्के पदार्थ का बना हुआ है, बेसाल्ट का है, और जो ऊपर वाली लेयर है देखो ग्रेनाइट की बनी हुई है। बेसाल्ट तो हल्का होता है, ग्रेनाइट भारी होता है, ये कठोर होता है। तो डेली ने अपनी एक बुक लिखी थी आवर मोबाइल अर्थ 1926 में, उसमें इन्होंने अपनी थ्योरी दी है स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी, इसको याद रखना। आवर मोबाइल अर्थ 1926 स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी, जिसमें ये बताते हैं कि ऊपर की जो चट्टानें हैं वो ग्रेनाइट की बनी है, नीचे की चट्टानें बेसाल्ट की बनी है, और जबकि नीचे ग्रेनाइट होता है ऊपर बेसाल्ट होता है, ये तो पड़ा है। ऊपर बाहर आ जाए लावा तो वो बेसाल्ट बन जाता है, नीचे हो तो वो ग्रेनाइट होता है, जिसकी वजह से देखो ये चट्टान क्या होता है कभी कभी, क्योंकि ऊपर की बाहरी है, भारी होने की वजह से वो टूट जाती है और नीचे एस्थेनोस्फेयर में चली जाती है, जिसकी वजह से फिर टूट गई है चट्टान तो बाकी जो प्लेट है उसमें मूवमेंट शुरू हो जाता है, दोनों पास आ जाती है, कंप्रेसिव फोर्स होता है और फोल्ड माउंटेन इसमें बन जाते हैं। बस इतनी बात है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी, तभी इसे सवाल डिटेल में नहीं पूछता है। जो थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं होती है वहाँ से सवाल डिटेल में नहीं पूछते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। इसीलिए बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी डेली, आवर मोबाइल अर्थ बुक डेली कब लिखी 1926 में। बस आगे देखिए, आगे है थर्मल कन्वेक्शन करंट थ्योरी आर्थर होम्स की थर्मल कन्वेक्शन करंट थ्योरी किसकी है, ये आर्थर होम्स की है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया है कि हमारा जो मेंटल है, मेंटल माने पागल नहीं, ये एस्थेनोस्फीयर जो है यहाँ पर लावा है, और जैसे समुद्र में तरंगे होती हैं वैसे इस लावा में भी तरंग चल रही है अंदर, पृथ्वी के अंदर जो ये मेंटल वाला पार्ट है, इसमें कुछ तरंगे देखो ऊपर आ रही हैं, जिनको हम असेंडिंग तरंग, ऊपर आती हुई तरंगे कहते हैं, और कुछ तरंगे फिर यहाँ प्लेट से टकरा के और फिर ऐसे करके मूवमेंट हो रहा है, फिर नीचे जा रही हैं। जहाँ से तरंगे ऊपर आ रही हैं और फिर वो इस प्लेट से टकरा के दूर जाती हैं, तो इस प्लेट में भी, लिथोस्फेरिक प्लेट में भी डाइवर्जेंट बाउंड्री हो जाएगी। डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट आपको पता होना चाहिए क्योंकि बता चुका हूँ, अगर नहीं बताया होता तो मैं बार बार इनको समझा देता हूँ, लेकिन अब आपको रिवीजन किया हुआ होना चाहिए और पता होना चाहिए। तो जहाँ से दो तरंगे टकरा के दूर जाएंगी तो वहाँ पर क्या होगा, उस प्लेट में भी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो जाएगी, दो प्लेटें दूर चली जाएंगी, नीचे से लावा आएगा, नई क्रस्ट का निर्माण होगा। लेकिन जहाँ पर दो प्लेट करंट एस्थेनोस्फेयर में इस तरीके से पास आती हैं तो दोनों तरंग टकराती हैं और नीचे की तरफ उनमें डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाता है, जिसको हम डीसेंडिंग करंट कह सकते हैं। जिसकी वजह से अगर कॉन्टिनेंट और ओशनिक प्लेट है तो वो आती हैं पास में और टकराती हैं, टकराने की वजह से फिर क्या होता है, फोल्ड माउंटेन बन जाता है, ट्रेंच होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है। इस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसी को ये जियोसिंक्लाइन से भी अटैच करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेज में ये तरंगें स्टार्ट हुई हैं, धीरे धीरे करके सेकंड स्टेज में फोल्डिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, थर्ड स्टेज में पूरा रीजन फोल्ड माउंटेन में कन्वर्ट हो जाता है। इनकी तीन स्टेज याद रखिए। पहली स्टेज में ग्रेजुअल इंक्रीज होता है वेलोसिटी में, मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है। सेकंड स्टेज में स्टेज ऑफ वेरी हाई वेलोसिटी वेव्स, बहुत तेज नीचे मेंटल में करंट शुरू हो जाती हैं एस्थेनोस्फीयर में। और थर्ड स्टेज में स्टेज ऑफ वेनिंग वेलोसिटी, अब यहाँ पर वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी क्योंकि पूरा फोल्ड माउंटेन के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी है 1929 के आसपास दी है, 28-29। और एक चीज़ ये बात याद रखना है कि ये तीन जोन लेयर मानते हैं अर्थ में। अपर लेयर, जो कि अपर लेयर है एक 10 से 12 किलोमीटर की, फिर इंटरमीडिएट लेयर है, फिर नीचे आपकी लोअर लेयर है। जो सेकंड अपर लेयर है सबसे ऊपर, तो इनको ग्रानोडायोराइट की बनी हुई है, ये ऐसा मानते हैं। इंटरमीडिएट लेयर है ये एम्फीबोलाइट की बनी हुई है, और जो सबसे नीचे लेयर है वो इक्लोगाइट की बनी हुई है। ओके, और इसमें यह भी बात ध्यान रखने वाली है कि जो कन्वेक्शन करंट है, कन्वेक्शन करंट वो किसकी वजह से जनरेट होती हैं, जो आप कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं पृथ्वी के अंदर चट्टानों में, उनकी वजह से ये एनर्जी जनरेट होती है और फिर कन्वेक्शन करंट के रूप में हमें दिखाई देती है। ठीक है, ये है आर्थर होम्स। आर्थर होम्स के बाद आते हैं रेडियो एक्टिव थ्योरी ऑफ जोली। नाम से स्पष्ट है कि इन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थों का इस्तेमाल किया है अपनी थ्योरी के लिए। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल इन्होंने भी किया है, लेकिन ये फिर कन्वेक्शन करंट स्टार्ट कर देते हैं उससे, और यहाँ पर ये प्योर रेडियो एक्टिव थ्योरी को ही, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को ही सहारा लेते हैं। इसमें जोली इम्पॉर्टेंट है। जोली की एक पुस्तक है सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, 1925 में लिखी गई है, इसी में इनकी थ्योरी दी गई है। इनकी थ्योरी को थर्मल साइकिल थ्योरी भी कह सकते हैं। आप हो सकता है कि कन्फ्यूज हो जाओ कि ये तो पीछे आर्थर होम्स की होगी, नहीं, उनकी थर्मल कन्वेक्शन करंट है, और ये इनकी रेडियो एक्टिव थ्योरी को, जोली की, थर्मल साइकिल थ्योरी भी कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ द अर्थ, थ्योरी ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ भी कह सकते हैं। तो ये अलग अलग नामों से जान सकते हैं। इनकी जो थ्योरी है वो किससे शुरू होती है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं पृथ्वी के अंदर, जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है, और एनर्जी जनरेट होने के बाद वो फिर आगे ऊपर की तरफ निकलती है। ओके, फिर ट्रांसग्रेशन, कंट्रैक्शन चट्टानों में होता है, एक्सपैंड होती है चट्टानें, गर्म होती हैं तो ठंडी होती हैं, वो एनर्जी निकल जाती है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, संकुचित होती हैं, जिसकी वजह से प्लेट आपस में, उसमें मूवमेंट शुरू हो जाता है। मूवमेंट शुरू होगा तो फिर चट्टानें पास में आएंगी और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री दिखाई देगी, और फिर उस वजह से हमें कहीं पे फॉल्ट दिखाई देंगे, कहीं पे फोल्ड माउंटेन दिखाई देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। थर्मल कन्वेक्टिंग करंट सबस्ट्रक्टम में जोली इसको यूज़ करते हैं टू एक्सप्लेन मेल्टिंग एंड रीसॉलिडिफिकेशन ऑफ द सबस्ट्रक्टम। सबस्ट्रक्टम माने नीचे जो अपर मेंटल पार्ट है एस्थेनोस्फीयर वाला। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो ये आज आपका माउंटेन से ओरिजिन जो रिलेटेड थ्योरीज है वो भी कंप्लीट हो गया। यहाँ से अब कोई भी सवाल आएगा आप उसको आराम से बना पाओगे। ठीक है, इतना आपने कर लिया है, और थोड़ी देर बाद इसकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, पढ़ना, नोट्स बनाना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, फटाफट बताइए। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई समस्या? जल्दी बताइए। ओके, पुराने तो हैं ही, नए वाले बताओ फटाफट। ठीक है, ठीक है, ओके, गुड। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 1 बजे की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।